हिंदुस्तान टीवी टुडे। खबर यूपी फतेहपुर से। नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही फतेहपुर जिले में प्रशासन ने नगर क्षेत्रों में लगे संभावित प्रत्याशी और पार्टी प्रधिकारियों के पोस्टर कोडिंग बैनर हटवाना शुरू कर दिया है। एसडीएम और ईओ ने नगर पालिका परिषद सदर क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ प्रत्याशी और पार्टी प्रधिकारियों के पोस्टर बैनर हटवाया। शहर में युद्ध स्तर पर प्रशासन द्वारा होर्डिंग बैनर हटवाने का काम जारी है। एसडीएम सदर अवधेश निगम ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में जिले के सार्वजनिक स्थानों पर लगे प्रत्याशी और पार्टी पदाधिकारियों के होर्डिंग बैनर हटवाने का काम किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर ही जिले में लगे सभी पोस्टर बैनर हटवा दिए जाएंगे। बता दें कि फतेहपुर में 2 नगर पालिका सीट और 8 नगर पंचायत सीट हैं। पहले चरण में 4 मई की वोटिंग होनी है। ऐसे में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गया है। आइए सुनते हैं एसडीएम सदर फतेहपुर अवधेश निगम ने क्या कहा। आप लोगों को पता है कि नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसके तहत आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके तहत जितने भी होल्डिंग्स वगैरह लगे जो सार्वजनिक संपत्तियों पर। ये थी फतेहपुर से हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट। आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी टुडे। LCT Uniform, all uniform under one roof at rock bottom price at Sheikh Hamdan Colony, Karamadubai. Call 04396 1477 and Alwar.